नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद की थाना झिंझाना पुलिस द्वारा भड़ी चौसाना निवासी नाबालिग के साथ घटित घटना में अल्प समय में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी व बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया गया। थाना झिंझाना क्षेत्र के गाँव भड़ी चौसाना में एक 15 वर्षीय युवती की करनाल स्थित कल्पना चावला हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाने के बाद थाना झिंझाना पर सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद सूचना पाते ही तत्काल झिंझाना थाना प्रभारी वीरेंद्र कसाना और उच्चाधिकारी गणों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित के परिजनों द्वारा दो युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर जहर देने से पीड़िता की मृत्यु हो जाने के आरोप लगाए थे। परिजनों की तहरीर पर तत्काल थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त आकाश के पूर्व में पीड़िता से संबंध थे। बाल अपचारी व मृतका एक ही स्कूल में पढ़ते थे तथा बाल अपचारी के माध्यम से ही अभियुक्त आकाश व मृतका एक दूसरे से संपर्क में आए थे। जांच के क्रम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त आकाश से मिलने के उपरांत घर पर जाकर जहर का सेवन किया गया, जिसके बाद परिजन स्थानीय डॉक्टर के पास उसे उपचार के लिए लेकर गए, जहां स्थानीय डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु असमर्थता जाहिर करते हुए परिजन करनाल स्थित कल्पना चावला हॉस्पिटल पर भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका की मृत्यु जहर खाने के कारण हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए मुख्य अभियुक्त आकाश को अल्प समय में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त आकाश को न्यायालय व बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 29 जुलाई 2023 को थाना झिंझाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री की उपचार के दौरान करनाल में मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब परिजनों से तत्काल विस्तृत जानकारी की गई तो उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि दो व्यक्तियों द्वारा उनकी पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसके उपरांत उसे जहर दिया गया, जिससे उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और इसमें विस्तृत विवेचना करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुख्य अभियुक्त है उसकी पीड़िता से पूर्व में संबंध थे तथा दूसरा अभियुक्त एक बाल अपचारी है जो पीड़िता के ही स्कूल में पढ़ाई करता था और उसी के माध्यम से मुख्य अभियुक्त और पीड़िता एक दूसरे के संपर्क में आए थे। जहाँ तक पीड़िता की मृत्यु का प्रश्न है, यह बात प्रकाश में आई कि 28 तारीख को पीड़िता और जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी जो है वहीं आवास के पास कहीं पर मुलाकात हुई थी, जिसके उपरांत पीड़िता ने जो है अपने निवास स्थान पर आकर जहर खाया था। उसे उपचार हेतु एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिनके अक्षम होने के कारण बाद में पीड़िता को उपचार हेतु करनाल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण जानने के लिए जो है इसमें पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा प्रिजर्व है, उसके रिपोर्ट के क्रम में जो है जो भी साक्ष्य आएंगे उसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो दोनों अभियुक्त FIR में जिन पर आरोप लगाया गया है उसमें मुख्य अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में तथा बाल अपचारी को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश किया जा रहा है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।